रीवा सर्किट हाउस राजनिवास रेप कांड में सातवां आरोपी मोनू मिश्रा गिरफ्तार हो चुका है। सूत्रों की माने तो महंत सीताराम दास का वाहन चालक मथुरा में फरारी काट रहा था। इधर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SSP नवनीत भसीन ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसको साइबर सेल की मदद से 8 अप्रैल को पकड़ लिया गया था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी मोनू मिश्रा को कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड मांगी थी। जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद शनिवार की शाम तक रिमांड दे दी थी। इस बीच आरोपी से अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा की माने तो सर्किट हाउस रेप कांड में महंत का सहयोग करने वाले आरोपी मोनू मिश्रा उर्फ अभिमन्यु मिश्रा पुत्र राजेंद्र मिश्रा निवासी भित्री थाना रामपुर नागिन जिला सीधी को गिरफ्तार किया है। उसने ही राजनिवास में शराब पार्टी के लिए खान पान का सामान चार पहिया वाहन से लेकर आया था। मोनू मिश्रा महंत के चार पहिया वाहन का चालक है। वारदात के दूसरे दिन आरोपी महंत को कार से लेकर भित्री गांव तक मोनू लेकर गया था। भित्री से आरोपी महंत और मोनू अलग अलग ही गए थे। रीवा राजनिवास दुष्कर्म कांड में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें महंत सीताराम दास, विनोद पांडे, संजय त्रिपाठी, अंशुल मिश्रा, तौफीक अंसारी, पप्पू शुक्ला सहित मोनू मिश्रा का नाम शामिल है, जबकि एक आरोपी धीरेंद्र मिश्रा अभी भी फरार है। सूत्रों का दावा है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगी थी, साथ ही परिवार पर पुलिस लगातार दबाव बना रही थी। इसके बाद मोनू मिश्रा को पकड़ने में सफलता मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।